नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी के इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिशाच एंथोनी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अजूबा, जिसने जब भी किया अजूबा ही किया, नेचर से वो अपराधी है, तो जब भी किया अपराधी किया। उसने चोरों डकैतियों की जो मंडली बनाई है, उसमें भी सब साथी माहिर एवं करते भी लोग ही भर्ती किए हैं। जैसे बब्बन नाम का ये चोर बचपन में खिलौना बस लेकर भाग गया था, जवानी में यात्रियों से भरी बस। बस का कंट्रोल मेरे हाथों में है, मुझे पता है कि ये कंपनी की चार्टेड बस है, और आज तुम सबको सैलरी मिली है। कोई एक जना अपने सीट से खड़ा होकर सबकी सैलरी इकट्ठी कर ले और मुझे थमा दे, वरना गंदा नाला दूर नहीं है, मैं बस को उसमें घुसा दूंगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, 16वें मिनट में तुम सब सुअर बने नजर आओगे। हरी अप, क्विक, ये लो गठरी, सारा कैश इसमें भर दिया है। अब तुम सारे बस के पिछले हिस्से की तरफ चले जाओ। सब पीछे चले गए। बब्बर ने अपनी नाक एवं मुंह पर रुमाल ऊंचा कर दिया। तुम लोगों के होश में रहते, मैं बस रुकूंगा तो तुम लोग हल्ला करोगे और मुझे भागने में तकलीफ होगी। बब्बर ने क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया था। बब्बर ने बस रोकी और रुपयों से भरी गठरी लेकर बस से कूद गया। लूट हो तो ऐसी। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, और कौवा हो तो ऐसा काव काव। और भाई, मेरे गठरी खोलकर तो देख लो, तू कौन है? पहले गठरी खोलकर देख, फिर बताऊंगा। चोर ने गठरी खोली, इसमें तो चप्पलें और जूते हैं। मुझे धोखा देने के लिए 100 का 1 नोट ऊपर लगा दिया। तूने भी तो यात्रियों को धोखा देने के लिए ड्राइवर की वर्दी पहनी थी। मेरा नाम तो बब्बर है, बब्बर के पीछे जो लगता है मैं वही हूं, मगर तू कौन है? थोबड़ा बचा, बताता हूं। धार, आप सुन, मुझे एंथोनी कहते हैं। ये गड्ढा मेरे यहां गिरने से बना है, कहीं तू समझे कि तेरे द्वारा मुझे फेंकने से बना है गड़ा? नहीं, मैं ये कहां समझ रहा हूं, मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूं। अबे, मैं कोई बावला हूं जो ये समझूं? अरे प्रिंस, ये तू क्या ले आया? ये तो दूरबीन है। काँ, काँ, काँ। अच्छा, देखने के लिए लाया है कि वो कितना ऊपर गया है? अरे बाप रे, ये तो वापस आ रहा है और बहुत पास आ गया है। ये तो सीधा मेरे ऊपर आ रहा था। श्योम, एंथोनी, तू ये मत समझियो कि मैं तेरा घूंसा खाकर इतनी ऊपर तक उछल गया था, और ये पूरी सड़क तेरे गुस्से के कारण खंडहर बनी है। तू बार बार ये कहकर मुझे बार बार क्यों शर्मिंदा कर रहा है? धार, अगर तूने मुझे अपना नाम ना बताया तो शायद मैं ऐसा सोच भी लेता, मगर तेरे चेहरे को क्या हुआ? वहां पर मुझे बहुत सारे ट्विंकल ट्विंकल स्टार नजर आ रहे हैं, पर ये मत समझियो कि ये तेरे गुस्से से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ओह, लगता है तुझे ज्यादा जोर की पड़ गई है। अब मुझे तेरी जुबान खामोश करनी ही पड़ेगी। धप, और मैं सोचता हूं कि मुझे तेरी धार। अब समझ में आया कि मैं बार बार वो बात क्यों कह रहा था, क्योंकि मैं तेरी कब्र सड़क पर ही बनाना चाहता था, इसलिए कूद कूद कर गड्ढे भी खुद ही कर रहा था। गड्ढा तो खुद गया, अब तुझे लाश में बदल दूं ताकि उसे गड्ढे में दबाकर कब्र का रूप दे सकूं। धार।
मुर्दे को फिर से मुर्दा बनाएगा, तेरी ये मजाल। आए अब आए आए क्या कर रहा है, चल उस गड्ढे में जो तूने खोदा है। धाड़। बब्बर सीधा गड्ढे में जाकर गिरा। एंथोनी ने सड़क की उखड़ी हुई मोटी हुई परतों को गड्ढे पर वापस फिट कर दिया, जैसे पजल गेम के टुकड़े को फिक्स करते हैं। यार तूने बब्बर शेर को बिल्ली बना दिया, बल्कि चूहा बना दिया, मगर यार किसी को बताइए मत कि तूने मेरा ये हाल किया है। अब जो टुकड़ा तेरे हाथ में है उसे मेरे चेहरे वाले इस स्थान पर फिक्स कर दे, क्योंकि हारा हुआ ये चेहरा मैं अजूबा को नहीं दिखा पाऊंगा, वरना वो मेरे इससे भी ज्यादा टुकड़े कर देगा। एंथोनी ने वो टुकड़ा भी वहीं पर फिट कर दिया। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब छोड़ नहीं मैं सकता एक भी अपराधी। याओ याओ। उसके बाद रोड रोलर चलाकर एंथोनी ने सड़क को भी बराबर समतल कर दिया। कौ इसकी आत्मा तो अब एयर ट्रेवलिंग करेगी, मगर सुबह ट्रैफिक की भी यहां से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां अपना काम खत्म। चला प्रिंस, शहर की गश्त का अभी बहुत सा समय बाकी है। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि ये वही मुर्दा एंथोनी है। हाँ, और मैं भी तेरे आसपास की जगह जगह गीली होती जमीन को देखकर ये बात समझ गया था कि तू एंथोनी को देखकर बिल्कुल ठीक समझा है। नहीं, ये छोटी उंगली वाली नहीं है, कल रात बारिश हुई थी, ये उसका बचा हुआ पानी है। ठीक है, मान ली मैंने तेरी बात, तू कॉफी पी, तेरे शरीर की तरह ठंडी ना हो जाए। पुलिस जीप भी चली गई। तब मुर्दे तेरा सत्यानाश जाए, मरकर भी चैन नहीं पड़ा तुझे? चैन की जिंदगी तो नहीं जीने दी तूने मुझे, अब चैन की मौत तो जीने दे। एंथोनी का ही मारा हुआ था वो भूत, सुप्रीमो के पास जाना ही पड़ेगा। एंथोनी की रात्रि गश्त जारी थी। मेरी बाई आंख फड़क रही है प्रिंस, लगता है फिर कोई टकराव होने वाला है। कौ कौ। प्रिंस ने कुछ कहा जिसे एंथोनी ही समझ सकता था। हाँ तो ठीक कहता है, बाई आंख तो उस अपराधी की फड़क रही होगी जिस पर मेरी नजर पड़ेगी। थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि कौन है वो बदनसीब। फिलहाल वो अद्भुत नजारा दोनों की निगाहों के सामने था। फाइटर प्लेन्स को उल्टी सीधी कलाबाजियां खाकर करतब भरी उड़ान भरते हुए तो कई बार देखा है, मगर किसी यात्री विमान को इस प्रकार उल्टा उड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। पता चल गया प्रिंस, मेरी आंख इसी वजह से फड़क रही थी। एंथोनी की आंखें जहां तक देख सकती है तो वो वहां तक कहीं भी जा सकता है, यानी वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। कौ प्रिंस, तू प्लेन में एंटर नहीं कर सकता, तू यहीं रुक, मैं उस अपराधी का हालचाल मालूम करके अभी आता हूं। बंद खिड़की से ये कौन अंदर आया? विमान के उल्टा हो जाने से अंदर यात्रियों का कोलाहल मचा हुआ था। हेल्प हेल्प। एंथोनी ने अंदर आकर देखा कि ओह, अंदर लूटपाट जारी है। वाह, उड़ते हुए हवाई जहाज में लूटने का मजा आ गया। धम धम धम, मार खाने का भी आएगा। कौन है ये काला कंकवा, इसने तो हमें मार ही डाला। हेलो पायलट, विमान को सीधा करो, यहां जितने लुटेरे थे वो सब उल्टे हो चुके हैं। तुमने मेरे आदमियों को उल्टा किया है, अब विमान को भी खुद ही सीधा कर लो। मैं तो चला, मेरा नाम याद रखना, फरारी। विमान को तूने ही उल्टा किया है और तू ही उसे सीधा भी करेगा,
तेरी कारगुजारी मुझे तेरे आदमियों से पता चल चुकी है कि यात्रियों के रूप में तुम लोग प्लेन में सवार हुए थे, फिर नर्व गैस का कैप्सूल फोड़ कर की धमकी देकर तुम कॉकपिट में जा घुसे और पायलटों को बेहोश करके खुद ही पायलट सीट संभाल कर विमान को उल्टा कर दिया, क्योंकि तुझे एयरफोर्स में लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव है। देख, मैंने तुझे पकड़ दिया फरारी। नहीं, मुझे छोड़ दे, तेरा पैराशूट तो नीचे गया। नहीं, अब कहे तो तुझे भी छोड़ दूं? नहीं, अब मैं तेरा पैराशूट भी नहीं खोलने दूंगा। अरे, मेरी पीठ की ओर तो देख ले, तेरा पैराशूट कहाँ है? तू बिना पैराशूट के ही कूद गया, अब नीचे जिंदा कैसे पहुंचेगा? मुझे नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है, हवाई जहाज में वापस, ताकि सारे यात्री जिंदा और सकुशल नीचे उतर सकें। एंथोनी ने कार्गो का दरवाजा एक झटके से खोला, प्लम्प, और फरारी को लेकर नीचे कूद गया। अब अगर तूने हवाई जहाज को नीचे ले जाने में कोई आनाकानी की तो मैं तेरी आंख कानी कर दूंगा। हवाई जहाज सीधा हुआ और सकुशल एयरपोर्ट पर उतर गया। सारे यात्री सकुशल उतर गए। अब मैं तुझसे थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें लातों से करूंगा। भड़ाक, यात्रियों के उतरते ही कमांडो विमान में चढ़े और तब फरारी नीचे उतरा यानी उतारा गया। ये जिंदा है तो इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाओ, वरना पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाओ। पोस्टमार्टम के लिए ही जाएगा, लेकिन सर इसके सभी साथी बेहोश हैं। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर अपना उस चैनल पे भी प्यार दिखाना। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।